फाइनली जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो ये हर्ष क्या हो गया ऐसे सडनली? क्या कर रहा है ये लड़का यार? वीर इधर आओ। क्या हुआ? हर वक्त परेशान रहना जरूरी नहीं, बैठो रिलैक्स एंड चिल। जानवी गई है हर्ष भैया से बात करने के लिए। हर्ष भैया जानवी की हर बात मानते हैं, वो जरूर सब कुछ ठीक कर देगी। अच्छा तो अभी के लिए आइसक्रीम। ओके। ये लड़की काम की है, इसे काबू में कर इस घर की सारी खुशियां छीनूंगी मैं। एक लड़ाई और सब कुछ बिखर जाएगा। जानवी भी इसका साथ नहीं देगी तो प्राची इस घर को अलग अलग करने में तैयार हो जा। ये कहां से बीच में आ गई प्राची? माँ कब से आवाज दे रही हूं मैं, आवाज सुनाई नहीं देती मेरी? मामा शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? मैं वो बस चुप, चलो मेरे साथ, चलो नहीं, चलो मेरे साथ। ताईजी, ताईजी मेरी बात सुनिए ताईजी। ये बता क्या कर रहे थे तुम दोनों? क्या हुआ बाप? छोड़ मेरा, यही शिक्षा दी है मैंने तुम्हें। क्या हुआ भाभी? हम लोग यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और इन दोनों के पीछे पता नहीं क्या खुसर खुसर चल रही है। बरसला रहा है उसे, पता नहीं बहला रहा है, फुसला रहा है। समझदार जो इसकी तरफ नजर उठा के भी देखा। पृथ्वी घर के बाहर भेज दे। भाभी जी अब शांत हो जाइए। शांत हो जाओ, क्या कह रहे हैं आप बहू? इसका मतलब आप सबको पता था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ हमें ये पता है। तो तुमने हम सब से छुपाई, घर के बड़ों से छुपाई, यही संस्कार दिए तुमको हमने? नहीं जी, वीर बहुत अच्छा लड़का है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड ट्रस्ट मी ताई जी, वीर प्राची को बहुत खुश रखेगा। हाँ बेटा वो लड़का तो नेक है पर करता क्या है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, प्राची को खुश कैसे रखेगा, कैसे चलाएगा घर? पापा इस बात से मुझे भी प्रॉब्लम थी लेकिन इसका हल मैंने निकाल लिया। मैंने अपना होटल वापस खोलने का फैसला किया है और वीर विल बी द मैनेजर। भाभी मान जाइए। ताई जी प्लीज मान जाइए ना, प्राची खुश रहेगी। माँ मान जाओ ना। भाभी जी मान जाइए ना। आप सबकी बड़ी मिली भगत हो गई है भाई। माँ प्लीज मान जाओ ना। अब मैं क्या कहूँ? बस हाँ कहिए। प्लीज प्राची ना। भी खुश है और माँ बाप बच्चों की खुशी में खुश रहते। अगर इन लोगों को साथ रहना है तो शादी करनी होगी। मैं सबकी खुशी गम में बदल दूंगी। प्राची की इस शादी प्राची के हाथों से ही बर्बाद करूंगी। अब इसके जरिए इस परिवार का विनाश होगा। इस घर में काली शक्तियों की पूजा कौन कर रहा है? मां की आराधना कोई कर रहा है यहां पर? अगर आकर्ष को पता लग गया कि हर्ष डायन की साधना कर रहा है तो वो ये कभी नहीं होने देगा। और अब मैं हर्ष को भी नहीं रोक सकती, क्या करूं? सुरक्षा कवच से यहां की कोई भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। जवाब तो क्या कर रहे हो तुम ये? मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए और मैं जानता हूँ कि ये काम सिर्फ तुम्हारी माँ कर सकती है। मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ।
क्या गलत कर रहा हूँ मैं? किसने कहा तुम्हें करने के लिए कि तुम्हारा खुद का दिमाग है, किसी और ने तुम्हारे दिमाग में भरा है? तो ये तुम्हारा किया कराया है, तुमने जहर भरा ना इसके दिमाग में? मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मेरे और मेरे परिवार से दूर रहो, लेकिन तुम बाज नहीं आई ना। अब तुम्हें दूर करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम ये? अगर यही एक रास्ता होता तो तुम क्या करते? हर्ष, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा यकीन करो। जनता भाभी को वापस नहीं लाया जा सकता, ना ही मैं ला सकता हूँ, ना ही माँ ला सकती है। शत्रुभा सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो चाहती है कि किसी भी तरह मैं और जानवी अलग हो जाए और मेरा और माँ का समझौता टूट जाए। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें वो सिर्फ एक मोहरा बना रही है। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ये प्रकृति का नियम है। जो चला गया उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। प्रकृति के सारे नियम मुझ पर क्यों लागू होते हैं? तुम पे क्यों नहीं? तुम तो अपनी बीवी को वापस ले आए। हर्ष, क्योंकि जानवी की राख हमारे पास थी, उसकी आत्मा एक पत्थर में कैद थी और तंत्र विद्या की वजह से हम उसे वापस ला सके। लेकिन जनता भाभी की राख हमारे पास नहीं और ना ही उनकी आत्मा कहीं पर कैद है, उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। ये विधि मत करो, मत तोड़ो मेरे और माँ का समझौता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मुझे और तुम्हारे परिवार पर कोई हानि है। शत्रुपा जब तक इस घर के आसपास रहेगी, इस घर की खुशियों को तबाह करने की कोशिश करती रहेगी। मुझे किसी भी हालत में उसे उसकी दुनिया में वापस भेजना ही होगा, उसे यहाँ से दूर करना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शत्रुपा, बस तुम अपने आखिरी पलों की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। अरे जानवी, आओ बैठो। कितनी जल्दी बड़ी हो गई है ना भाभी? हाँ, और पता है अब तो सबको पहचानने भी लगी है। अरे वाह, और वैसे आपको कैसे ना पहचाने, आप इतना प्यार जो देती है। वैसे आपने इसका बहुत प्यारा नाम रखा, निष्ठा। जब इसका नामकरण हुआ था तब तो मैं शामिल नहीं हो पाई, लेकिन इसका फर्स्ट बर्थडे ना हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे भाभी, सबको बुलाएंगे। हाँ जरूर, मेरी लाडली बेटी है। सच में भाभी, आपने इसे बाकी एक माँ का प्यार दिया। इतना प्यार करती है आप निष्ठा से, जैसे जैसी आप ही की बेबी है। अब जानवी, तुमसे एक बात कहूँ? बोलिए ना। जब घर का माहौल भी ठीक हो गया है, घर में शांति है, आकर्ष भी ठीक हो गया है, तो तुम और आकर्ष एक बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं अभी आकर्ष और तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो जानवी, तो फिर बच्चा करने में इतनी देर क्यों? देखो, जब प्यार हो तो बच्चा तो प्यार को आगे बढ़ाने का तरीका है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ और किसी के भी साथ हो, इसलिए तुम ये नहीं समझना कि पता नहीं भाभी क्या बातें लेकर बैठ गई है। ऑफ कोर्स भाभी, आप मेरी भाभी, आप कुछ भी बोल सकती है। अब मैं इस बारे में आकर्ष से बात करूंगी। क्या बात? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। डायन की पूजा, डायन की आराधना, जरा सी रुकावट आई तो डर गए। मैं तो फिर भी एक मामूली सा इंसान हूं। आकर्ष के आते ही तुम कहां चली गई थी? डर गई थी क्या? मेरा प्यार मेरे डर से ज्यादा कहीं बड़ा है, और मैंने आकर्ष से झूठ कहा था कि मैं आराधना नहीं करूंगा ताकि वो मेरी विधि में अड़चन ना बन सके। झूठ? क्या मतलब? मतलब ये
कि मैंने आकर्ष से झूठ कहा था ताकि वो यहां से चला जाए। मुझे डायन की आराधना करने से कोई नहीं रोक सकता। आकर्ष को चकमा दिया, इसका मतलब जानते हो कि अगर तुमने डायन को खुश किया तो तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिलाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। काश तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ होता, पर हर कोई प्राची की शादी की तैयारी में लगा हुआ है। पहले उन्हें जानवी की चिंता थी और अब प्राची की। तुम्हारा ख्याल किसी को भी नहीं। मुझे अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपनी विधि से जिंदा करूंगा और डायन को बुला के रहूंगा। मैं भी यही चाहती हूं कि तुम डायन को बुलाओ और इस परिवार को तबाह कर दो। बेटा वो अपना आकर्ष कहां पे है? कोई बाहर गया क्या? अब पता नहीं चाचू, बताकर नहीं गए। आई थिंक काम से गए होंगे। अच्छा अच्छा। बेटा शादी का मामला है, दामाद जी को घर पे होना चाहिए ना। फिर हम सब उसी के घर में रह रहे हैं, उसके बिना फैसला करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। पापा देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, और आकर्ष काम के लिए गए हैं, हम उनका वेट नहीं कर सकते ना। एंड आई एम श्योर हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आकर्ष को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हूँ ना अपने पति को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बिहाफ पे सारे डिसीजन मैं ले लूंगी। पापा देखिए, हम ज्यादा वेट तो कर नहीं सकते, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब तक हम लिस्ट तो बना लेते, हमारे पास टाइम भी कहाँ है। वैसे मियाँ बीवी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे वो दोनों। आ गए बोलो, आपने बुलाया? हाँ बेटा आओ बैठो। ये पृथ्वी ने शादी के मंडप और बाकी के कुछ डिजाइन तैयार किए, देख लो तुम्हें क्या क्या पसंद है। पर हाँ बेटा, अपने घर वालों का पता हमें दे दो, हम लोग उनसे बात कर लेंगे। माँ वो हमें ये सब तामझाम नहीं चाहिए, हम सोच रहे थे सिंपल सी शादी करने के लिए। सिंपल सी शादी क्या होती प्राची, घर में सबसे छोटी तू है। इतनी धूमधाम से हम शादी करेंगे कि सभी देखते रह जाएंगे। अब प्रीति भैया, मैं और प्राची इनफैक्ट दोनों यही सोच रहे थे कि कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स, कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब लोग मिल जाए तो एक छोटी सी प्यारी सी डिसेंट सी शादी कर लेंगे। ये धूम धड़ाका हम दोनों को नहीं चाहिए भैया। अरे वीर, शादी तो एक बार ही होती है, धूमधाम से ही होनी चाहिए। ये बेटा हमारी बच्ची की शादी है, धूमधाम से नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे परिवार वाले क्या सोचेंगे? आप ताजी उसकी फिक्र आप मत करिए, मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, वो तो इसी बात पे खुश है कि मैं खुश हूँ। पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहती है तो वो तो नहीं आ पाएंगे, बट बहू के लिए आशीर्वाद भेजा और बोला है कि जल्द से जल्द मिलवाने ला। ताईजी देखिए, मैं तो आप ही की टीम में हूँ, लेकिन अगर ये दोनों चाहते हैं कि सिंपल शादी करना है तो आई थिंक उन्हें करने देना चाहिए, आफ्टरऑल शादी उनकी है, सो उन्हें जो मन करे आई थिंक वही करने देना चाहिए। हमें अपना डिसीजन उन पर नहीं थोपना चाहिए। जानवी ये थोपना नहीं है, बच्चे ये दोनों, इन्हें क्या पता है। भैया अब ये दोनों ना बच्चे नहीं रहे, कल शादी करने जा रहे हैं ये दोनों। बड़े हो गए हैं। और भैया आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आप चाहते हैं कि प्राची आपकी बहन है, धूमधाम से शादी हो, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि उन्हें सिंपल शादी करनी है। अब तो हम क्यों ना एक काम करते, आप भी खुश रहेंगे और ये दोनों भी खुश रहेंगे। देखिए आपको शादी में जो भी खर्चा करना है, जितना भी खर्चा करना है, आप इनके नाम पे ना एक FD बना दीजिए, इन्हें जब मर्जी जब मन करे वो पैसा खर्चा कर सकते, तो आपका भी हो गया और इनका भी हो गया। जानवी बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर इन दोनों को ये सब नहीं करना है तो फिर क्यों करना है ये सब। एग्जैक्टली। तो भाई साहब फिर अगर साधारण शादी करनी है तो फिर शादी में देरी क्यों, पत्री में कल का बहुत अच्छा मुहूर्त है तो कल ही विवाह कर देते इनका। इतनी जल्दी? अभी बेटी की जब विदाई होती है ना तो जल्दी ही होती है, कल तक तो ये हाथ पकड़ के चलना सीख रही थी हमारे साथ। ठीक है फिर चाचा जी, जब सभी राजी तो फिर देर किस बात की है, कल ही इनकी शादी करवा देते। आकर्ष घर पे नहीं है, यही मौका है प्राची को अपने काबू में करने का। आखिर मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। विजय शायद तुम्हारे हाथ में मिठाई हो जाए। ऑफ कोर्स, आज तो चाचू हलवा बनाएंगे हम सबके लिए। चाचू वो आपका फेमस हलवा। हाँ मैं लेकर आता हूँ। हाँ, बड़े दिनों। हाँ। आकर्ष बिना बताए कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई अब तक वापस नहीं लौटा, आखिर है कहाँ वो। यहाँ हर किस्म की किताब होती है, हर सामग्री हर विधि की जानकारी यही किसी किताब में,
इसका मतलब सतरूपा को भी इस दुनिया से बाहर भेजने की विधि इसी में से किसी किताब में होगी। डाइन माँ का बेटा यहाँ क्या चाहिए आपको? मुझे एक विधि की जानकारी चाहिए। डाइन लोग के इस इलाके में जाने के कुछ नियम हैं। माफ कीजिए, मुझे जांच करनी होगी। बस हो गया, आप जा सकते हैं। अच्छा रुको, तुम तो यहाँ की रखवाली करते हो ना, तो तुम्हें सारी किताबों के बारे में पता होगा। तो किसी शक्ति को एक लोग से दूसरे लोग में भेजने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल होती है? वहां आगे बाईं तरफ दूसरी किताब। पैलेस में चेक कर लिया, कहीं भी नहीं है। ये कहां से आ गई? हर बार कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन इस बार मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। प्राची, अब तुमने आकाश को कहीं देखा? नहीं तो। ओ, अब तो जीजू की शामत आने वाली है, आपको बिना पता चलेगा? या फिर आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे हो, है ना? बोलो बोलो, सच बोलो। कल जब तेरी शादी हो जाएगी ना, फिर बात करेंगे छुपन छुपाई कौन खेल रहे से। ओ पागल। अच्छा सुन, तेरी जीजू कहीं दिखे तो कह देना उनकी बीवी ढूंढ रही थी। बोल दूंगी, पागल लड़की। ये अजीब सी स्मेल अचानक से क्यों आने लगी? ये तो वही स्मेल है जब काली शक्ति आसपास हो तब आती है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। कौन है, कौन है वहां? आई डोंट बिलीव इट, मेरी शादी होने वाली है। अपने प्यार और परिवार के पास वापस, सब लोग तो देखते रह जाएंगे, लेकिन तुझे भी पता चलेगा कि कैसे तूने अपनी दुनिया में खुद आग लगाई। खुद से मेरी दुनिया छीनी, जब भी से मेरा बेटा छीना, अब मैं उसके अपनों को छीनूंगी। ना मेरी जान लेकर रहेगा। इससे पहले कि मां और शत्रुपा को खबर लगे, मुझे इसकी जानकारी हासिल करनी होगी। जादुई जंतु और शक्तियों को एक लोक से किसी अन्य लोक में भेजना असामान्य हो ना हो, पर संभव है। सूंड आकार की इस वस्तु की तीव्र ऊर्जा के जरिए यह किया जा सकता है। इन पन्नों में लिखी विधि अनुसार ये क्रिया संभव हो सकती है। इस तंत्र की शक्तियां परम ऊर्जा पैदा करती हैं। भेजने वाला जंतु इस सूंड आकार वस्तु में खींचकर कैद होता है और फिर इसकी शक्तियां उसे एक लोक से दूसरे लोक पहुंचाती हैं। मुझे सूंड आकार का जरिया बनना होगा। शत्रुपा को इस दुनिया से भेजने का यही एक तरीका है। अगर शत्रुपा को मेरे इरादे की भनकी पड़ी तो इस किताब तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेगी, नहीं मैं उसे इस विधि तक नहीं पहुंचने दे सकता। मुझे माफ करना होगा, मैं आपके लोग से कुछ चुरा नहीं रहा, बस कुछ दिनों के लिए छुपा रहा हूं। जैसे शत्रुपा मेरे लोग से निकल जाएगी, उसके बाद इसे मैं वापस रख दूंगा।
नहीं, ये पेपर्स मैं यहाँ नहीं रख सकता। अगर जानवी को मिल गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हुआ और कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं, मैं यहीं तो था, कहाँ जाऊंगा मैं? ऐसे बिना बोले मत जाया करो। पता है मैं कितनी डर गई थी, मुझे तो लगा था कि उस डायन ने कहीं तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अरे डायन क्यों करेगी मेरे साथ कुछ, मेरा और उनका समझौता हो चुका है ना, और डायन लोग में जो समझौता होता है उसे तोड़ा नहीं जाता। जब तक हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे वो हमें कुछ नहीं करेंगे। और तुम्हारा फोन कहाँ गया? कितनी बार मैंने फोन करने की कोशिश की, लग ही नहीं रहा था। पता नहीं, मैं तो बस वो आर्किटेक्ट से मिलने गया था, वो होटल दोबारा खुलवाना है ना, तो बस उसी सिलसिले में मीटिंग करने गया था मैं। ये विशाखा भाभी भी ना क्या बिठा दिया मेरे मन में, अब बच्चे की बात मैं करूँ भी तो कैसे करूँ, क्या बताऊँ मैं उनको? मुझे माफ करना जानवी, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा किसी भी खतरनाक काम में तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। शत्रुपा को पकड़ना, उसे वापस भेजना आसान नहीं होगा, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी। मैं तुम्हें उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बना सकता, उससे मुझे अकेले ही लड़ना होगा। जानवी, क्या हुआ, आप कुछ सोच रही थी क्या? अब नहीं, बैठो ना, बैठ के बातें करते। वो एक्चुअली मुझे भी प्यास लगी, मैं पानी पी लेती हूँ। जानवी, सब ठीक तो है? हाँ, ऑफ कोर्स, अब तो घर में सब कुछ ठीक है। कल वीरा और प्राची की शादी भी है, अब छोटा सा ही फंक्शन है, सिर्फ फैमिली। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना, शादियाँ तो ऐसी होनी चाहिए, अपनों के बीच खुशी के साथ। अब पता है आज क्या हुआ? वो निष्ठा है ना, हजबिया की बेबी, उसने आज पहली बार पापा पापा कह रही थी, बात करने की कोशिश कर रही है। बहुत क्यूट बच्ची है। घर में खुशियां वापस आने लगी हैं। मैं किसी भी हाल में शत्रुपा को ये छीनने नहीं दे सकता। क्या हुआ, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, बच्चों को कौन नहीं पसंद करता। पता है मुझे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा तो बचपन से बहुत मन है कि मेरी भी एक बड़ी सी फैमिली होगी। इमेजिन आकाश, घर पे बच्चे होते तो माहौल ही अलग हो जाता है ना, उनकी हंसी, उनका रोना, सब कुछ, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। आई तो लव किड्स। अच्छा, मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं आराम से मिलता हूँ तुमसे। अब पर मैं बात कर, ओके, आई एम सो सॉरी, तुम्हारी बात फिनिश नहीं हुई, मैंने तुम्हें ऐसे ही टोक दिया। हाँ बोलो ना। इट्स ओके, हम बाद में बात करेंगे, नथिंग इम्पॉर्टेंट, तुम अपना काम फिनिश कर। आर यू श्योर? या या। ओके। टफर ही है, समझ में ही नहीं आता, अब कैसे समझाओ इसे? मेरा सर, गर्दन, पीठ इतनी दुख क्यों रही है? ये प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुई है। हो रहा है मुझे? प्राची, कहो तुम, तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था मैं। थैंक यू सिंपल सी शादी के लिए मानने के लिए। ये धूम धड़ाका, शोर शराबा, ये मुझे कभी पसंद ही नहीं था। 500 लोगों को बुलाओ, फिर वो बोलते हैं चीनी कम है, नमक ज्यादा है, इतनी मिर्ची क्यों हो गई है? 5000 लोग आ जाते हैं शादी में, और फिर शादी शादी नहीं, शादी सर्कस बन के रहती है। हमें शादी को सर्कस क्यों बनाना है? ये तुम्हारी और मेरी शादी है प्राची, तुम और मैं, हस्बैंड एंड वाइफ। आई लव यू प्राची। मैं क्या कर रहा हूं? अच्छे, शादी होने वाली है, हुई नहीं है अभी। अकेले मिलना, हाथ पकड़ना, ये सब तो मैंने झेल लिया, पर अब ये सब क्या है? गले लगना, हाथ लगाना, मेरे पीठ पर हाथ क्यों फेरा तुमने, कमर क्यों छुई? एक दिन भी रुका नहीं जा रहा ना तुमसे। छी, कितने डेस्परेट हो सकते हो तुम वीर। प्राची, ओके, शादी से पहले थोड़ा, ओके, लिसन टू मी, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना प्राची? क्यों,
तुम्हें जो चाहिए उसके लिए मना कर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वीर, तुम अपने हाथ अपने पास रखो और शादी तक मुझसे दूर रहो, फायदा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। Are you serious? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कितनी बार पहले हक कर चुके हैं हम, और तुमने कितनी बार मुझे हक करा है? प्राची, listen to me. कोई desperate intention नहीं थी मेरी। प्राची। Right. पागल नहीं हूँ मैं, दिख रहा है मुझे तुम्हारी आंखों में। रहा नहीं जा रहा ना वीर, तो ठंडे पानी से जाके नहा लो, लेकिन मुझसे दूर रहो, समझे? प्राची, मेरी ये क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? लड़ो और लड़ो। ध्यान केंद्रित करके ऊर्जा ग्रहण करने वाले सुंडाकार यंत्र में 8 स्तंभों की स्थापना की जाती है। स्थापना के पश्चात इसे तंत्र क्रिया से उज्जवल किया जाता है। फिर मंत्रोच्चारण से इसमें कैद और रिहा करने की शक्ति भरी जाती है। बस मुझे अपनी शक्तियों से इसे सक्रिय करना होगा। अब ये यंत्र काम करने के लिए तैयार हो गया है, बस मुझे सत्रुपा को कैद कर लेकर आना है। एक बार ये यंत्र उसकी ऊर्जा खींचने लग जाए तो सत्रुपा के लोक का द्वार खोलकर मैं उसे बाहर भेज दूंगा। बस सत्रुपा, तुम्हारा इस दुनिया में वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम यहां नहीं रह सकती सत्रुपा। नहीं आकाश, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारी विधि शुरू होने से पहले ही मैं इस यंत्र को तबाह कर दूंगी। नहीं, अगर मैं उसकी विधि में बाधा बनी तो उसे पता लग जाएगा कि मैं ही समझौता नहीं मान रही, उसे नहीं निभा रही। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये डायन लोक के परम नियमों के खिलाफ है। अगर ये सबके सामने आ गया तो मेरी शक्तियां, मेरा शासन, सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शत्रुपा अपनी लड़ाई खुद लड़े, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगी। आकाश कहां चले गए? कौन है जो हम पे वार कर रहा है? जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहां पर है। हम पे क्यों वार कर रहे हैं आकाश? क्योंकि तुम्हारे वार करने की बारी खत्म हो गई, अब मेरी बारी है। अब तुम्हारी वजह से कोई और नहीं पछताएगा। वक्त आ गया है कि तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे। 500 साल बाद हमें निद्रा से जानवी ने जगाया था, लाल पत्थर से बाहर निकाला था। अब जब हम आ गए हैं तो हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगी। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते आकर्ष। तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। हमें मजबूर मत कीजिए। मजबूर तो होना पड़ेगा तुम्हें। हमारे एक रूप को कैद करके क्या करोगे आकाश? हमें एक साथ काबू में करने के लिए हमारे सातों रूप एक होने चाहिए, और वो आपकी कैद में नहीं आएंगे।
आज तुम कैद हुई हो, कल दूसरी होगी। एक एक करके सातों को कैद करके दुनिया से बाहर फेंक दूंगा। हमारे बाकी के रूप आपकी कैद में नहीं आएंगे। आएंगे, अगर मेरे सामने नहीं तो तुम्हें बचाने तो जरूर आएंगे, तब उन्हें कैद करूंगा। आप ये अच्छा नहीं कर रहे आकाश। हमारे बाकी के रूप ज्यादा देर तक हमें कैद नहीं रहने देंगे, याद रखना, छुड़ा लेंगे हमें। उसकी फिक्र तुम मत करो, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया। वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और ना ही तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ये क्या हो रहा है? ऐसी कमजोरी महसूस क्यों हो रही है आकाश? एक रूप तो काबू में आ गया, लेकिन अब इसके बाकी रूपों को पकड़ना आसान नहीं होगा। मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, पर कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? किससे पूछूं? हे डायना, मैं तेरी साधना कर रहा हूं, प्रकट हो। हे डायन मां, प्रकट हो, प्रकट हो डायन मां। इंसानी दुनिया से कौन बुला रहा है मुझे? कौन है जो मेरे नाम की आराधना कर रहा है? जरा देखो तो। प्रकट हो डायन मां। बुला रहा हूं तुझे। जानवी का भाई हर्ष। अरे वाह, प्रकट हो डायन मां, प्रकट हो। ये तो मुझे खुद ही बुला रहा है। प्राची के अलावा एक और मोहरा मिल गया जानवी के खिलाफ लड़ने के लिए। देख, मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, प्रकट हो। तुम्हारी आराधना से मैं खुश हूँ हर्ष, लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अभी तक तो तुम मुझे सिर्फ बुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी, इतना जतन करवाऊंगी कि मुझसे मिलने के खातिर तुम कुछ भी करोगे। एक बार तुम्हारी तपस्या तुम्हारा जुनून बन जाए, तब मैं आऊंगी तुमसे मिलने। क्या तुम सतरूपा को वापस उसकी दुनिया में भेजना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छा विचार है, पर तुम करोगे कैसे? ये तरीका मैंने मालूम कर लिया है, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता चाचू। मैंने श्वेत सतरूपा को कैद कर लिया, लेकिन उसकी वजह से उसके बाकी जो रूप है वो चौकन्ने हो चुके हैं। आकर्ष, नेकी और पूछ पूछ, तुम क्यों घुमा फिरा कर बोल रहे हो? बोलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या करना है बोलो। चाचू, आप सतरूपा को जानते नहीं, उसे काबू में करना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है। आकर्ष, जब इतना कुछ देख लिया है तो थोड़ा सा और सही क्या फर्क पड़ता है? कल वीर और प्राची की शादी है, उस खुशी के साथ साथ अगर ये सतरूपा को भी हमेशा के लिए वापस भेजने की खुशी मिल जाए तो ये तो दिवाली और होली एक साथ मनाने जैसी खुशी होगी। और तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। देखो, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में, अगर मेरा जीवन चला भी जाए किसी का भला करते करते तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया है। वाह चाचू वाह, अब समझ में आया कि जानवी हर मुश्किल घड़ी में आपके पास क्यों आती थी। आप कभी पीछे नहीं हटते, अब वाकई में बहुत अच्छे। अरे आकर्ष, तुम क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझको? अभी ये बातें छोड़ो, ये सब बाद में कर लेंगे। नहीं, ऐसा ना हो कि हम यहाँ योजना बनाते रह जाएं और सतरूपा हमारे हाथ से निकल जाए। अब उसकी चिंता मत कीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि सतरूपा का मैंने एक रूप कैद कर लिया है, वो अपना रूप छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। बस इस बात की कानों कान खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच की बात है। मैंने बात जानवी तक को नहीं बताई है। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? देखिए, अब तो आप दोनों पकड़े गए। अब जल्दी से सच सच बता दीजिए कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा था। अरे वो कुछ नहीं, वो एक सरप्राइज है जो अभी हम आपको नहीं बता सकते। सरप्राइज? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? बताइए, मुझसे शेयर कीजिए। बेटा वो प्राची और इसकी शादी है ना वीर की, तो वो लोग कुछ खास करना नहीं चाह रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ खास करें, वही बात कर रहे थे हम। तो ये तो अच्छी बात है चाचू, प्राची मेरी बहन है और आप दोनों के सरप्राइज में मैं इन्वॉल्व क्यों नहीं हो सकती, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि ये मेरा चाचू का सीक्रेट है और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सरप्राइज हम आपको बताएं।
वैसे मैं आपकी पत्नी हूँ, जरूरी तो है हर एक चीज जानना, लेकिन आप दोनों श्योर है ना कि ये प्राची की शादी के बारे में कुछ और नहीं छुपा रहे? अरे क्यों छुपाएंगे तुमसे कुछ, हम तुम्हें भी ना बेकार में टेंशन लेने की आदत होगी। क्या इशारा कर रहा है? नहीं वो ये सब कहते हैं कि पति पत्नी के प्यार और झगड़े के बीच में तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आपस में झगड़ लो, मतलब बात कर लो, है अपने आप संभालो। तो छुपा नहीं रहे हो ना मुझसे? जब दो प्यार करने वाले साथ होते तो कितना अच्छा लगता है ना? और जब साथ रहकर प्यार बढ़ता है तो और भी अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम इस प्यार को किसी और के साथ भी बांटें? एक नन्ना मुन्ना सा छोटा सा कोई हो जिसके साथ हम ये प्यार बांट सके। क्या तब से हर बात पे हूँ किए जा रहे हो? मैं तब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, रूम में भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, यहाँ पे भी मैं घुमा फिरा के समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें भी अपना फैमिली एक्सटेंड करना चाहिए, एक बेबी होना चाहिए, लेकिन तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते हो। या तो तुम ध्यान से मेरी बात सुनना नहीं चाहते या फिर तुम समझना नहीं चाहते। क्या 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 आई मीन दैट्स ऑल यू हैव टू से कि क्या? नहीं तुमसे बात करना ही बेकार है, पता नहीं मैं क्यों बात कर रही हूं। जानवी, I'm really sorry. मैं भी कितना ना समझूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तुम भी तो बातें इतनी घुमा के कह रही थी, तुम भी तो सीधे सीधे बोल सकती थी ना। अब बोल दिया ना सीधे सीधे, अब तुम सोच समझ कर सीधे सीधे जवाब भी दे देना मुझे। हाँ मैंने भी सोच समझ के सोच लिया है। I'm ready. रानी? Of course, जानवी. तुम्हारा और मेरा घर, हमारा बच्चा, सच्ची क्या बात हो सकती है? मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। आई एम सो वेरी हैप्पी। सतरूपा को इस दुनिया से बाहर भेजना और भी जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आने वाली जिंदगी में वहां पर खतरा बने। उसे इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, वरना वो यहां रुकने की बहुत कोशिश करेगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इतना भारी क्यों हो रहा है? अभी तक तो इतनी थकान थी, अब नींद भी नहीं आ रही है। इतनी रात को कौन है? तुम जी अंदर आओ। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? सिर्फ सॉरी बोलने आया था। देखो मैंने कल प्यार में ऐसे फ्लो में आके तुम्हें हक कर लिया, मैंने रियलाइज ही नहीं करा प्राची इंटेंशंस खराब नहीं थे मेरे, यू नो दैट राइट? आई एम सॉरी। वीर नहीं, छोटी सी बात थी, मैंने ही खींच दिया। मैंने पता नहीं क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर दिया और अचानक से आई रियली डोंट नो व्हाई। अब तो मैं अच्छा क्या हुआ? पता नहीं वीर, अजीब सा दर्द हो रहा है और भी इतना भारी हो रहा है, घबराहट भी हो रही है बहुत। अच्छा ठीक है, देखो काम डाउन के मैंने ऐसे सुना है कि शादी से पहले थोड़ी थोड़ी होती है ऐसी फीलिंग लोगों को, एंजाइटी टाइप की, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने बोला ना बार बार हाथ मत लगाओ, मत लगाओ। क्यों बार बार हाथ लगा रहे हो मुझे? तुम्हें मैं क्या कोई चीज लगती हूँ? जब चाहे छू लिया, अपने हाथों को अपने काबू में रखो, जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगा यही सोच के आए थे ना कि रात है मैं अकेली हूँ, तुम जो चाहे हो कर सकते हो? छी, घिन आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। प्राची तू ठीक है ना बेटा? क्या हो रहा है यहाँ? अजी मैं ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ।
पूछिए इससे, ये इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आया था छुप छुप कर? वीर बोलो, जवाब दो, क्या हुआ? सबके सामने शर्म आ रही है, मुंह बंद हो गया? हाँ इनफ प्राची, तुम्हें पता है मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था। प्राची क्या हुआ, क्या तुम्हें दो चार दिन से ये मेरे साथ अजनबियों की तरह बिहेव कर रही है जानवी? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो प्राची। जस्ट काम डाउन वीर, आई थिंक इन दोनों के झगड़े में हम लोग को नहीं घुसना चाहिए। झगड़ा तो हर किसी में होता रहता है। अब आप लोग जाइए, मैं इन दोनों से बात करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है ये सब कुछ? प्राची आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन टू मी। क्या है ये सब? तुमने खुद वीर को चुना था ना, और ये क्या इंजाम लगा रहे हो तुम उस पर? ऐसे बच्चों की तरह तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना किसी की दलील सुननी है, ना किसी को सफाई देनी है। अब आप लोग प्लीज बाहर जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। वीर तू अपसेट मत होना, मैं उससे बात करूंगी। नहीं जानवी, नॉट इफ इट है, हर बार मैं नहीं समझूंगा। इसे क्या हो गया है? देखा जानवी, मेरे जादू का असर, तू तो बस देखते जा मैं कैसे धीरे धीरे कर तेरे अपनों को तुझसे दूर करती हूं। न जाने हमारे श्वेत रूप को कहां रख दिया आकाश ने। आकाश तुम्हारे पीछे है, करना क्या चाहता है आकाश? अच्छा हुआ बच गई। तेरी इतनी हिम्मत, नहीं छोड़ूंगी आज तुझे, आज तुझे मरना होगा। मार डालो इस ब्रजेश को, खत्म कर दो इसे। आकाश एक बार बस ये पता चल जाए कि आकाश किस तरह हमें इस दुनिया से बाहर निकालना चाहता है, तो मैं उसकी इस योजना को नष्ट कर दूंगी। जो भी यंत्र है उसी को नष्ट कर दूंगी। वो मुझे नहीं हरा सकता, कहीं नहीं भेज सकता हमें। छोड़ो मुझे, बाहर निकालो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो शत्रुपा, अब तुम फंस चुकी हो। शत्रुपा के तीन रूप कैद हो चुके अब।